Hi, I'm Terence Lewis. Subscribe to Siddharth Kanan's YouTube channel now. इतने सालों से इनको जानता हूं ये क्या क्या कब कब करते रहते हैं कुछ समझ नहीं आता पर जब समझ आता है तो इतना मजा आता है क्योंकि ये परि कैसे जवानी के बादशाह <laughs> Lewis. <laughs> के से हमें, से रोज फॉर ईगो मसाज बिकॉज वैसे तो मैं अपने आपको ज्यादा कुछ समझता नहीं हूँ लेकिन आपसे आप मिलने के बाद ना फील के हाँ, मैं कुछ हूँ लाइफ में नहीं तो <laughs> तो ये आप जो सटल हिंट दिया कि मैं आपको मसाज दू मैं पैसे लेता उसके लिए

या सुबह का भी नहीं है यह एक्चुअली बचपन से जुड़ा है आई वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन सिंगिंग म्यूज़िक थिएटर डांस बहुत देर आया मेरी लाइफ में बट जब आया तो आई रियलाइज़ कि यहाँ पर ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं एंड मैं मध्यम वर्क वर्ग से हूँ मिडिल क्लास से हूँ आई रियलाइज आई नीड टू का टेबल और हमारे परिवार में मेरे डैडी ने कहा था कि पंद्रह साल तक मैं आपको पढ़ाऊंगा दसवीं तक उसके बाद जो करना है करो मेरे पर मत आना फाइनेंशियली आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर यू तो कहीं ना कहीं डांस के जरिए मैंने बहुत सारा कमाया एंड आई वेंट इन टू दैट डायरेक्शन और डांस मुझे अपनी तरफ खींचता चला गया एंड आई हैड टू कैंड मेक समथिंग आउट ऑफ इट बट कहीं ना कहीं वो जो अरमान थे सिंगिंग थिएटर एक्टिंग वो कहीं ना कहीं वहीं पे दबे यू you नो know, दबे हुए से थे तो अब इस लॉकडाउन में मुझे लगा कि अब मैं फाइनेंशियली स्टेबल हूँ मैं मुझे लगता है कि मेरे अरमानों को मुकम्मल करना चाहिए तो मैंने ट्रेनिंग ली फिर से शुरुआत किया बहुत मेहनत की क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं अगर, अगर अपने आप को सामने पेश कर जाता हूँ तो आई नीड टू ऑफ बी एफ एटलीस्ट ऑफ अ डिसेंट लेवल टू एंटर द मार्केट सो एम वेरी हैप्पी कि यू you नो know, मेरा जो गाना है अभी बहुत लोगों ने सराहा है प्यार किया है अरे डार्लिंग ट्रेंड मार रहा है इस वक्त यार हां <laughs> <laughs> ये माने जो अंडरस्टेटेड है ये वो है वो है कुछ नहीं ट्रेंड मार रहा है बोलो ट्रेंड हो रहा है बस यस इट्स ट्रेंडिंग गाइस ट्रेंडिंग जवानी का बादशाह इज ट्रेंडिंग ऑन YouTube पर बताओ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कहीं अगर ये फाइनेंशियल ट्रबल्स नहीं होते बचपन <laughs> में तो शायद तुम सिंगर होते पहले राइट सिंगर रॉक स्टार दट वॉज माई सी ऑल द रॉक स्टॉफ है मुझे बनना है आई बिकम लाइक माइकल जैक्सन पॉप स्टार यू नो डांसिंग सिंगिंग स्टार एंड देन अफकोर्स थिएटर वॉज बिग इन माई लाइफ सो आई वॉन्ट बी एन एक्टर एनी थिंग आई वॉज इन फ्रंट ऑफ द कैमरा कैमरा के सामने मैं खुश हूँ यू नो सो आई वॉज वेरी कंफर्टेबल और मेरे लिए स्टेज एक घर बन गया था यू नो सो इट वॉज वेरी नेचुरल फॉर मी टू गो इन टू द यू नो परफॉर्मिंग आर्ट्स तो आई वु प्रोवली बी डूइंग समथिंग इन डूंग परफॉर्मिंग आर्ट्स इन फ्रंट ऑफ द कैमरा यार अभी तो, तो तुम रियलिटी शो जज हो बहुत नाम कमाया है बट मैंने तुम्हें देखा है तुमने बहुत स्ट्रगल झेला हुआ है इवन टू रीच दिस पॉइंट वो कौन से एक दो स्ट्रगल्स है जो हमारे जो मिलेनियल्स जो हैं जो तुमसे सीख सकते हैं वो कौन से बिग स्ट्रगलिंग मोमेंट्स थे तुम्हारी लाइफ में एक्चुअली जब मैं uh, मेरी दसवीं uh, की यू you नो know, परीक्षा हो गई थी और मेरे रिजल्ट्स आ रहे थे तो यू uh, नो you know, उसी दिन मैंने टॉप uh, किया था बट एट द सेम टाइम वो मेरा घर जो था वो टूट रहा था बिकॉज यू नो बीएमसी के कुछ इश्यूज़ हो रहे थे सो आई थिंक दैट डे टू सी यू नो टू रियलाइज़ कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं और हमें अभी कुछ ना कुछ करके अभी वो मकान को फिर से खड़ा करना पड़ेगा हम लिटरी रस्ते पर आ गए थे सो आई थिंक दैट चेंज मी फ्रॉ मैं हंसता हुआ लड़का था एंड आई वॉज वेरी हैप्पी ऑलवेज एंड आई हैड लवली पेरेंट्स बहुत अच्छे पेरेंट्स थे फैमिली अच्छी थी मेरे आठ भाई बहन थे गरीब थे लेकिन बहुत अच्छी तरह से पाल पोस का बड़ा किया था मम्मी डैडी ने पर वो जब मैंने अपने मेरे मम्मी डैडी को टूटते हुए देखा ना तो वो वो दिन से आई थिंक आई चेंज फ्रॉम बीइंग अ यंग बॉय टू अ मैन इन जस्ट वन इवनिंग यू नो ऑफ सीइंग माय पेरेंट्स लाइफ पर और हम सब ने डिसाइड कराया कि हम कुछ ना कुछ बनकर दिखाएंगे आई थिंक इट्स सो इंपॉर्टेंट टू हैव दीज काइंड ऑफ मोमेंट्स दैट यू नो यू कैन ऑफ यू नो रिमेंबर इट फॉर लाइफ और वो आग अंदर सुलगते रही कि हमें एक दिन आगे निकलना है इस 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 दलदल से बाहर निकलना है इस इस परेशानियों से बाहर निकलना है तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और मेरी माँ ने कहा था इट्स नॉट गोइंग टू बी एन ईजी जर्नी इट्स गोइंग टू बी हार्ड और आपको कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं आपको सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना है और आगे बढ़ते रहना है सो आई थिंक इन सम वेज़ आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हैव इंस्पायरिंग पेरेंट्स ऑल्सो और ऑल्सो एम वेरी ग्रेटफुल टू जो फरिश्ते हम कितने भी कि कुछ क्यों ना हो जाए यू नो दिस ब्रदर दर जब तक वो फरिश्ते हमारे सामने आके बोलते कि एक मौका है ले दे दे उसको अगर वो नहीं होते ना हमारे लाइफ में तो हम कुछ नहीं होते तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दैट दो हज़ार में लगान आपकी पहली फिल्म थी उस वक्त लगान तक पहुँचने के लिए क्या लोगों ने दरवाज़ा बंद कर दिया या बैठाया दस घंटा बाहर मिलने <laughs> के लिए ऐसा हुआ एक्चुअली <laughs> मैं ना बहुत शर्मीला हूँ मैं काम मांगने से बहुत यू नो मुकर जाता हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि जब मैं अच्छा काम करूंगा और पीपल विल सी इट तब मुझे मुझे वो मेरी माँ से एक नो वो है बहुत खुददार थी मैं भी बहुत खुददार हूँ मैं भीख नहीं मांग सकता किसी को काम नहीं मांग सकता वो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है विच इज़ नॉट अ राइट थिंग टू डू यू शुड गो आउट एंड से मुझे काम चाहिए मुझे दे दो लेकिन मैं नहीं था तो मैं फिटनेस में गया था क्योंकि फिटनेस में ज्यादा पैसे मिल रहे थे और वहाँ पर मुझे रीना दत्ता जो प्रोड्यूसर थी एंड शी द फर्स्ट वाइफ ऑफ आमिर खान शी वॉज प्रोड्यूसिंग द फिल्म फॉर द फर्स्ट टाइम तो उनको एक सेक्शन चाहिए था जो वेस्टर्न कोरियोग्राफर चाहिए था दे हैड तो उसने मुझे देख लिया और यू डांस ना चल ना एक वो एक सेक्शन है ए आर का म्यूजिक पे वॉल्स कराना है यू मस्ट डू इट अच्छा आई डोंट नो वॉल्स सीख ले और आ नेवर शॉट अ सॉन्ग मैंने कभी किसी को असिस्ट नहीं किया है अरे कुछ नहीं तो आ जा मैं डर डर के वो सेट पे गया लगान बट आमिर आशुतोष जी एंड अनिल मेहता हूँ कैमरा मैन दे वज सो अमेजिंग आई वेंट वन वीक बिफोर डर के मारे कि मुझे कुछ नहीं पता अन्य बोल दिया मैंने सच मुझे कुछ नहीं पता मुझे सिर्फ डांस पता है जो मैं सीख कराया है वो भी मैंने मैं करता नहीं हूँ लेकिन मैंने आपके लिए सीख कर आया आई कैन टीच यू एंड टीच यू दैट मच लेकिन शूट कैसे करना से डोंट वरी वेबी इज योर

बिकॉज हर एक रिश्ते में जहाँ पे आप नो पोजेसिव uh, हो जाते हो जहाँ पे आप उसको हासिल करना चाहते हो वो एक अलग लेवल का नशा है वेरी यू से ट्रू मीनिंग ऑफ लव इज़ वन यू कैन गिव द पर्सन द फ्रीडम कि तुम्हें प्यार मुझसे करना है नहीं करना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता नोट आई एम वेरी हैप्पी आई एम वेरी हैप्पी और ये बंदा भी ऐसा है कि उसको पता है कि ये लड़की जो है वो इसके लीक के बाहर है तो जो कहानी भी जो हमने बनाई थी जो सौरभ इज अंगेस्ट डायरेक्टर Uh, you know, he came up with this idea, and then Maro and me developed it more with the details. It was such a beautiful concept because.

और uh, मैं प्यार करता हूँ कंटिन्यू करता हूँ बट आई डोंट वॉन्ट टू बी प्रोजेस्ट एंड आई डोंट वॉन्ट टू प्रोजेस आई फील ट्रू लव इज़ फ्री लिटली लाइक शेड आई आई जेन्यूनली बिलीव दैट अगर वो प्यार दिल में है वही काफ़ी है यू डोंट नीड टू प्रोजेस दिस पर्सन आई ऑल्सो फील नो बड़ी कैन कम्पलीट यू ये है ना कि यू कम्पलीट मी दिस इज नॉट राइट बिकॉज गॉड हैज मेड यू परफेक्ट यू डोंट नीड टू बी मेड परफेक्ट विद समी एस वाई यू थिंकिंग लाइक दिस

तो मैंने कभी किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया क्या तुम और नौरा फतेही कभी रिलेशनशिप में थे रास की बात रास रहने दो तो। अरे बोलो <laughs> ना सीरियस मैं ना वेरी क्यूरियस मुझे नहीं पता कोई सच आई विल टेल यू ऑफ कैमरा अच्छा तो तुम लोग अच्छे दोस्त हो यस yes, बहुत उससे ज्यादा नहीं हां ऐसे ही समझ लो You seriously, poocha I, I really think you look fabulous together. I think we have got great chemistry. I really think so, honestly. I think we've got great chemistry on screen. And most importantly is that, uh, you know, she's of a very free-spirited person. And... Um,

But that's the charm of her. She's lovely. Yeah. So are you are you like best friends? Yeah, we're good friends. I wouldn't say we are very good friends, like we call each other every day, no. But we have a healthy relationship. Would you ever want to be in a relationship with <laughs> <laughs> Seriously, Mut's <laughs> I really, because I love that. I'll tell you why. Hear my logic. Hear my logic. Tum dono, ache dancero, good-looking people, great friends, and great chemistry. Again, I feel that maybe I could be wrong that Terence should not block what what is

ऑन एनी बॉडी आई एम नॉट दैन ऑफ अ गाय उसकी पूरा you know, किसी आओ घर पर और अपने जो लोग जो आपसे आप बहुत प्यार करते हो उस पर आप इमोशनल डंपिंग नहीं कर सकते आई 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 सॉट इट आउट